दोस्तों ड्रुपल लेआउट बिल्डर से रिलेटेड आज हम लोग एक और मॉड्यूल डिस्कस करते हैं ये मॉड्यूल का नाम है लेआउट बिल्डर मॉडल यानी कि जब भी आप लेआउट बिल्डर में कस्टम ब्लॉग बनाते हैं तब आपको एक मॉडल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा मॉडल पॉप ओप ओपन हो जाएगा और उसकी हेल्प से आप इजीली ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं तो सबसे पहले हमको इस मॉडल को इंस्टॉल करना होगा तो मैं इस मॉडल को इंस्टॉल करता हूँ मैं इस मॉडल को यहाँ से कॉपी करता हूँ है ना कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ कंपोजर में और यहाँ पे मैं कंपोजर से इस मॉडल को इंस्टॉल कर लेता हूँ है ना यहाँ से मैंने मॉडल डाउनलोड किया और मॉडल डाउनलोड करने के बाद मैं इस मॉडल को कर देता हूँ इनेबल ठीक है तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे ड्रस आ, और यहां पे मुझे लिखना होगा मॉड्यूल का नेम जो कि है यहां पर लेआउट बिल्डर मॉड्यूल राइट ये मॉड्यूल का नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जाके इसको मैं कर देता हूं इनेबल ठीक है ये मॉड्यूल यहां से डाउनलोड हो गया मॉड्यूल यहाँ से इनेबल हो जाएगा उसके बाद में ये किस तरीके से काम करता है तो मान लीजिए कि आपके पास कोई लेआउट है राइट जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ और अगर मैं कंटेंट टाइप में जाता हूँ कंटेंट टाइप में अगर मैंने कोई लेआउट बना रखा है है ना को, कोई कोई ब्लॉक मुझे बनाना है तो वहां पे मुझे ये कुछ इस तरीके का सपोर्ट देगा तो पहले ये मॉड्यूल इनेबल हो जाए है ना मॉड्यूल इनेबल के लिए मैंने ड्रेस कमांड रन कर दिया है अभी मैं कंटेंट टाइप में जाके अगर यहाँ पे मैनेज डिस्प्ले में जाता हूँ मैनेज डिस्प्ले में जाता हूँ और मैनेज डिस्प्ले में जाने के बाद है ना मैनेज डिस्प्ले में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैनेज डिस्प्ले uh, में जाने के बाद अगर कोई कस्टम ब्लॉक में क्रिएट करता हूँ राइट right? कोई कस्टम ब्लॉक अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो वो कस्टम ब्लॉक क्या करेगा वो जो कस्टम ब्लॉक है uh, उसको बेटर विजिबल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा मतलब पहले कस्टम ब्लॉक हम क्रिएट करते थे तो एक छोटी सी विंडो आती थी लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा मॉडल मॉडल फॉर्म आएगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ अभी तो ये मॉडल मेरा जो है वो आप देख रहे हैं ये मॉडल सक्सेसफुली इनेबल हो गया मतलब ये अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक सेटिंग भी मिल जाएगी यूजर इंटरफेस के अंदर तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं यूजर इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ और यूजर इंटरफेस में मैं ये जो है ब्लॉक ये जो मॉडल पॉपअप आ रहा है इस मॉडल पॉपअप को मैं मॉडल uh, पॉपअप का मैं हाइट और विर्थ सेट कर सकता हूँ है ना यूजर इंटरफेस के अंदर ऑप्शन जो आएगा उसमें मैं ये कर सकता हूँ तो अभी यूजर इंटरफेस ओपन हो रहा है यहाँ पे मैं मैनेज लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ uh, ये दिखाने के लिए कि इसका आउटपुट कैसे दिखेगा ठीक है तो अभी यूजर इंटरफेस में हम लोग गए यूजर इंटरफेस में आप ये देख रहे हैं लेआउट बिल्डर मॉड्यूल इस पर क्लिक किया तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक सेटिंग फॉर्म खुलेगा और वो सेटिंग फॉर्म हमसे पूछेगा कि यहाँ पे विध कितनी रखनी है हाइट कितनी रखनी है हम लोग इसको ऑटो साइज भी कर सकते हैं और जो थीम होता है वो भी हमको सेलेक्ट करनी होती है तो यहाँ पे थीम वार्टिक है ये एज एट इज हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग रखते हैं हम लोग इस सेटिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लेआउट बिल्डर का जो ऑप्शन है इसमें एड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मान लीजिए मैंने एट सेक्शन पे क्लिक किया अभी इस एट सेक्शन पे मैं एक ब्लॉक ऐड करूंगा तो वो ब्लॉक ऐड करने के लिए मेरे पास कस्टम ब्लॉक क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा तो कस्टम ब्लॉक क्रिएट करने का ऑप्शन मान लीजिए मैंने यहाँ पे टू कॉलम को सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के लिए इस लेआउट को मैं सेव नहीं करूंगा चेंजेस को मैं कर दूंगा लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहा है वो देखने के लिए तो मैंने क्या किया है यहाँ पे टू कॉलम लेआउट को ले लिया और यहाँ पे टेम्परेली एक सेक्शन एड कर लिया इस मॉड्यूल का डेमो देखने के लिए ये मॉड्यूल आप देख रहे हैं डाउनलोड हो चुका है इनेबल हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने इसकी कॉन्फिग्रेशन भी वेरीफाई कर ली है ठीक है अभी मैं क्या करता हूं यहाँ पे एड ब्लॉक पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है और वो ऑप्शन ये मिलता है कि कस्टम ब्लॉक क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है राइट क्रिएट कस्टम ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है तो मैं यहाँ पे जाके क्रिएट कस्टम ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो जो मॉडल फॉर्म है वो ओपन होना चाहिए पहले क्या होता था कि यहीं पे ब्लॉक क्रिएट करने का यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला पैनल आ रहा है ना यहीं पे ऑप्शन आ जाता था ब्लॉक क्रिएट करने का लेकिन अभी ये मॉड्यूल ये देख रहे हैं आप ये इस तरीके का पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरीके से हम लोग इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं ताकि हमको कस्टम ब्लॉक क्रिएट करने में लेआउट से असुविधा ना हो थैंक यू